गौतम अदानी जो अदानी ग्रुप के चेयरमैन है बन चुके हैं दुनिया के तीसरे सबसे रईस आदमी और ऐसा करने वाले इंडिया के सबसे पहले बिजनेस पर्सन। सिर्फ इंडिया के नहीं बल्कि एशिया में भी ऐसा करने वाले वो पहले इंसान हैं। इस पोजीशन में अब तक ना मुकेश अंबानी आए और ना ही जैक मा। गौतम अदानी ने फ्रांस के बर्नार्ड अर्नोल्ड को पीछे छोड़ते हुए ये किताब हासिल किया। उनकी कुल नेटवर्थ अब पहुंच चुकी है 137 बिलियन डॉलर्स और अभी उनके आगे हैं टेस्ला के इलॉन मस्क और अमेजोन के जेफ बेजोस। अदानी ग्रुप इंडिया का तीसरा सबसे बड़ा बिजनेस ग्रुप है रिलायंस और टाटा ग्रुप के बाद। ग्रुप के बिजनेस की अगर मैं बात करूं तो अदानी ग्रुप ओन करते हैं इंडिया का सबसे बड़ा प्राइवेट पोर्ट और इसके अलावा इंडिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट ऑपरेटर, सबसे बड़ा सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूटर और सबसे बड़ा कोल माइनर भी अदानी ग्रुप ही है। और अदानी ग्रुप के कंपनीज की अगर बात करें तो उनकी 7 कंपनीज स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है और इसके अलावा अदानी ग्रुप कम्युनिकेशन इंडस्ट्री में भी अपने पैर जमाने की कोशिश कर रहे हैं जहां उनका मुकाबला होगा सीधा जियो और एयरटेल के साथ। ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी अदानी एंटरप्राइज आज हमें अपने लाइफ टाइम हाई बनाते हुए नजर आई। साथ ही साथ अदानी ट्रांसमिशन और अदानी टोटल गैस इन्होंने भी आज अपना लाइफ टाइम हाई बनाया। अदानी ग्रुप के स्टॉक्स की अगर बात करें तो 31 मार्च 2020 के बाद स्टॉक्स ने कमाल की तेजी हमें दिखाई है। इससे इन्वेस्टर का बहुत ज्यादा पैसा बनाया गाइस। अदानी टोटल गैस ने अपने इन्वेस्टर्स के लिए कमाए हैं लगभग 4000% के रिटर्न्स और साथ ही साथ अदानी एंटरप्राइजेस ने भी 2000% के ऊपर रिटर्न्स अपने इन्वेस्टर्स को बना के दिए। इसके साथ ही अदानी ट्रांसमिशन और बाकी अदानी ग्रुप की कंपनीज ने 1000% का रिटर्न पिछले 1 से 2 साल में अपने इन्वेस्टर्स को दिया है। तो गाइस इन्वेस्टर्स का बहुत अच्छा प्रॉफिट हमको अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में बनता हुआ दिखाई दिया। के इस फिनोमिनल ग्रोथ को देखते हुए काफी मार्केट वॉचर्स ने चिंता जताई। क्रेडिट साइट्स ने अपने रिपोर्ट में ये तक कह दिया कि अदानी ग्रुप एक डीपली ओवर लेवरेज ग्रुप है और इस पे बहुत ज्यादा कर्जा है जो कि सच बात भी है। हालांकि अदानी इस कर्जे को अपने ग्रोथ और नई कंपनीज एक्वायर करने के लिए, नए बिजनेसेस शुरू करने के लिए यूज करते हैं। मिस्टर अदानी के तीसरे अमीर बनने के पीछे एक रीजन ये भी बताया जाता है कि यूएस के काफी सारे बिलियनर्स ने अपनी बहुत सारी वेल्थ फिलैंथ्रोपी को दे दी। हाल ही में हमने देखा था कि बिल गेट्स ने अपने बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन को $20 बिलियन डोनेट कर दिए। साथ ही साथ वॉरेन बफेट ने भी अब तक $35 बिलियन का फिलैंथ्रोपी कर चुके हैं। वैसे गौतम अदानी ने भी अपने 60th बर्थडे को $7.7 बिलियन की चैरिटी की थी। खैर दुनिया का तीसरा अमीर आदमी बनना ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है और गौतम अदानी ने जो कर दिखाया है वो वाकई काबिले तारीफ है। और इसी के साथ हम खत्म करते हैं हमारा आज का वीडियो। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।